साथ में। लगा पूरी ताकत जोर से कितने देर को लगा पूरी ताकत झगड़ो उस कुत्ते के साथ में। काट देंगे तुझे, झगड़ लो उस कुत्ते से। लगा पूरी ताकत जोर से। झगड़ लो उसको और तेजी से, तेजी जड़ो काटने का इसको, तेजी झगड़ो। क्या काटता तू? हाँ तुझे काटता मेरे को, काट देना। अबे बहुत आ जाने जैसे चप्पल है चप्पल। तेजी से क्या समझा तू मेरे को? हाँ झगड़ो तेजी से, बहुत आ जाने जैसे हमारी मारने वाले तुझे मारेंगे। मैं क्यों मारूं? तीसरी औका देंगे मेरे हाथ से मार खाने की। मारो उस कुत्ते से, जकड़ लो उसको। ताकत लगा पहले जोर से, तेजी के साथ में। और उसके दोनों हाथों को जकड़ लो, इसके दोनों हाथों काटना है मुझे। जकड़ो और उसके दोनों हाथों में आग लगाओ तेजी से। जकड़ लो उसको, उसके दोनों हाथों को तेज से जकड़ो, काटना है उसके दोनों हाथों को। कहां से लाए थे तुझे? शमशान से, कब्रिस्तान से? बोलना तो पड़ता तुझे। नजदीक ला रहे कैमरा। झगड़ो उसके हाथों को तेजी के साथ में और काट के भस्म करने की तैयारी करो। काट दे ये हाथा, दे दे मुझे अब काटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसकी तू पूजा करता ना उसको मैंने पकड़ के रखे। आला है बोल, तू पकड़ जलाओ उसके हाथों को तेजी से। ऐसा बताओ अभी, जलाओ जरा इसको तेजी के साथ में। कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूने भाग सका फिर मेरे बंदिश से निकल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जलाओ उसके हाथ में की सारी शक्ति खत्म करो तेज एक साथ में।
अब आया याद? बोल कमीने, कहां से लाए थे तुझे शमशान से? कब्रस्तान से। कब्रस्तान से? हाँ कब्रस्तान से। औरत ले आदमी लाया? हाँ औरत ले आदमी लाया। इसके ससुराल किए मायके किए? कितने साल हो गए जादू करके उन्हें? कहीं में मिला के खिलाई? खाने में। कौन सा खाना था वो? रोस्ट खाने में खिलाते थे। क्या था वो? कुछ भी खिलाते थे। अच्छा कहाँ से लाती थी वो? मालूम नहीं। कौन था जादूगर? हिंदू था मुसलमान था? हिंदू। सही बोल। हिंदू। अच्छा और तू कहाँ से आया था? शमशान से कब्रस्तान से? शमशान से। और कब्रस्तान से कौन आया था फिर? कब्रस्तान में ले गए। कौन ले गई थी कब्रस्तान में? अच्छा तेकु लेके गई थी वहां पकड़ के फिर इसके आंग में छोड़ी? कौन थी वो? कौन है? कौन? बोल नहीं तो काट के भस्म कर दूंगा। सही बता नाम जल्दी से। नहीं पता। कौन है वो? नहीं पता। चलाओ उसको तेज जलाओ। जलाओ उसको, छोड़ो मत, उसका पूरा काट के भस्म कराओ। छोड़ते नहीं देखो एक बार भी अब कमीने। झगड़ो उस कुत्ते से एक साथ में। कौन है वो? कौन होती वो? इसकी क्या दुश्मनी थी उसकी? इसकी देखे नहीं जाता उसको। क्या देखे नहीं जाता उसको? अच्छा नहीं तो कौन है वो? सिरीन। कौन है? सिरीन। क्या नाम है उसका? सिरीन। कहाँ रहती उन्हें? वो जेल में। कौन होती इसके रिश्ते में? उसके छोटे भावा थे। क्या लिख गई थी इसका जादू चलाते टाइम पे? कपड़े। कौन से? मालूम नहीं। साईं बोल। ना मालूम। काट के भस्म करूंगा पूरा। अब भी पानी पे दम करके पानी पिलाओ उनको एक जना। उसके साथ और कितने लोग मिले आले हैं? बहुत है। कौन कौन? बहुत है। कौन कौन? उसके नाम नहीं मालूम। औरतें हैं? आदमियां हैं? औरतें हैं। अच्छा उसके कौन है? वो कौन होते रिश्ते में उसके? उसके बहन है। गिलास में पानी। कहाँ रहते वो लोग? एक लातूर में रहते। हाँ और एक नई शादी हो गई उसके अभी। और वो हैदराबाद में रहते। अच्छा हाँ। और इसके बच्चों पे भी कर रहे थे क्या उन्होंने जादू? सब पे चलाया जादू। मर्द पे भी? सब पे। अच्छा और खानदान में और किस किस पे करे इसके? उसके खानदान में सब पे किया है जादू। किस किस पे? उसके सास पे। क्या बोल के करे मारने को? हाँ। कब तक मारने वाले? मास में। अच्छा हाँ। और किस पे करे? उसे मरक पे। क्या बोल के? बर्बाद करने के वास्ते। और बर्बाद। अच्छा हाँ। और बच्चों को क्या बोल के करे? उसका नहीं सुनना बोल के उसी नस्ल बिगाड़ के छोड़ा। अच्छा हाँ। उसे बच्चे पढ़ेंगे ना तो वो बहुत इज्जत वाला बनेगा। उसे इज्जत नहीं रखने की थी इसके लिए मैंने ऐसा करा। कितने पैसे लिया था जादू करते टाइम पे? 500 रुपए। तो बा भिखारी जादूगर साले। तू आगे कहाँ दी तेरा बॉम्ब का? नाला कमीने, काट के टुकड़े करो उसके तेजी से। कैसा करता टुकड़े तो? भस्म करेंगे तुझे। कर। बाप का तेरे रात चल रहा है क्या? बाप का रात चल रहा है। हाँ फिर मेरे हुकूमत में तेरे मनमानिया भिखारी। तू क्या करना किसका? नीतर लगाओ उसके नाक में। पढ़ के लो। हाँ? तू किसका भला करे आज? देर रात दिन के कुछ काम आए मेरे लोगों को भले करते बैठे आलो। नहीं झूठ बोलता है तू। झूठा है तू, झूठा। जैसे शैतानों को मार मार के खत्म करने का काम ही चाहिए मेरा। नहीं करता तू कुछ भी। वो इस काम में नहीं होता रे तेरे से। चुप चल। कमीने। क्या मतलब जकड़ो उसके हाथों को और तेजी से।
बहुत मस्ती में मगन है रे तू। हाँ तेरे पापा खिलाया मुझे। फिर नहीं चल इतना इतना तुझे बताता हूँ। बिस्मिल्लाह काट के लेके बाहर टांग दूंगा मैं उसके गर्दन में से टुकड़े करेंगे उसके। जकड़ लो उसको। मेरे सामने तो देखा भिखारी मुंह तो भरा करके दिखा रहा था मेरे को। हाँ दो ना हाथा तो कर चल दे तो कर चल दे कपड़ा डालो उनके मुंह पे तो ना। अब भी तेरी मुंडी काट के बाहर टांगने का हुक्म देता हूँ मैं। जोर से तोबा कर, चीख मार के तोबा कर, जोर से तोबा। क्या औकात है देखा तेरी अल्लाह कलाम के सामने कमबख्त। और क्या पूछाने का है? जो करे उसके शोहर का नाम पूछो। उसका नाम है इलाही। क्या है इलाही? और के लिए करे? किस लिए करे? क्या वजह है? उसके उसके साथ रहना नहीं बन गए। पूरा खानदान बिगाड़ने का है उसको। अच्छा और वो जिसने जादू करी उसके मर्द को भी मालूम है कि जादू करी बोल के? हाँ नहीं मालूम उसको। उसे चोरी करके उसने जादू करने को बोला था। मर्द को भी खिलाई क्या उन्हें उसके खुद के? हाँ उसको भी खिलाया वाला है। कहीं में खिलाई? उसको भी खाने में रोज खिलाती हो। अच्छा कहीं के वास्ते खिलाती? वो उसके बाद मारना बोल के। अच्छा अगर वो बात नहीं मानेगा तो फिर वो खुद कैसे करने वाली है? क्या करने वाली है? खुद कैसे करेंगे वो? अच्छा हम क्या देती है? हाँ। और क्या पूछने का है? और खानदान में किसको? और खानदान में किस किस को करी उन्हें जादू? पांच नंदा पे। क्या नाम है उनके? सुल्ताना। हाँ लैला। हाँ हमीदा। हाँ कौसर। हाँ बेनी। हाँ उनका क्या ली थी जादू करते टाइम पे? कपड़े। अच्छा वो कपड़े उनको देते मिला के पहनने के लिए। हाँ उनसे बहुत मोहब्बत में मीठी मीठी बातें करती वो। अच्छा हाँ आगे उनके पास जाती रहती सब करती वो। अच्छा हाँ कब कब जादू करी पांचों के ऊपर? ये हमेशा करती रहती वो आते जाते रहती। अच्छा हाँ। उनके बच्चों पे भी करी क्या नंदो के? हाँ उनके पे। क्या बोल के करी? वो भी उनके बात ना माने। अच्छा बहुत बड़ा घायला घायला उसने जादू किया है। मतलब वो किसी के ना माने सिर्फ उसी की मानना जोर जोर से। और क्या उसके दिल के देखा होगा ना? अच्छा मर्द को सब कुछ करी गया। सास को करी क्या नहीं करी? सास को भी पहले करी। क्या बोल के करी? सास मर जाना सास उसके पीछे नहीं रहना बोल के। अच्छा कब तक मरने वाली सास? उसके सास का कुछ भरोसा नहीं है जाएंगी वो थोड़े दिन में। हाँ। वो समझती है मैं संभालू क्या उसको? हाँ। उसे लगता है ये छोटा बेटा है उसे कहा गया। हाँ। बाकी के कोई बच्चे नहीं है उसके। हाँ। वो नहीं संभाली क्या? कलीमा को कब मारने वाले थे? उसको तो बीमारी लगा दी ना। अच्छा अभी वो तो ऐसे ही मर जाएंगे। अच्छा कब तक मार रहे थे फिर भी? वो भी ऐसे जाने वाली वो भी अमास में पूनम में अमास के अंदर जाएंगे वो। अच्छा काम कर बाका काम कर बाका कुछ भी नहीं चलता इसमें भाई लोग बच्चे लोग सब लोग क्यों परेशान है? वो काम कारोबार क्यों नहीं चल रहे उनके? मैंने तो कह रही ना फिर सब पे। अच्छा हाँ। क्या बोल के? किसके कुछ नहीं चलना। हाँ। मैं अकेले अच्छी रहूंगी। हाँ। शर्म नहीं है तुझे ऐसा जादू आटो? मेरे को शर्म नहीं आती मुझे। हाँ। मैं बहुत नीच लायक औलाद हूँ मैं। हाँ। मुझे किसी को भी नहीं अच्छा लगता। कमीनी नालायक बेघर मेरे माने मेरा रिश्ता मेरे बगैर इजाजत के किया हुआ है। अच्छा मुझे पसंद नहीं वो लड़का। अच्छा हाँ इसीलिए मैंने उसके साथ ऐसा
धोखा किया, अब कहाँ जाएगा वो, अब तो मर जाएगा, उसको तो मार दे दूंगा मैं, वो नहीं रहेगा, फिर मैं उस लड़के के साथ भागूंगी, वो जो लड़का मुझे पसंद करता है मैं उसी के साथ भाग जाऊंगी। बुढ़ापे में भागेंगे कमीनी, हाँ बहुत जादुआ कर रही लोगों पे बैठ के, बेगैरत नालायक, सारी इसकी तंत्र मंत्र क्रिया खत्म कराओ, और ये जो भी जादूगर है और ये कौन कौन शैतान है इन सबको खत्म कराओ, एक एक से पकड़ के इनके सारे जंजीर डाल के सब कुछ जकड़ लो, इनके शक्तियों को तंत्र मंत्र को, और सब जला के राख कराओ तेजी के साथ में। तो कुछ नहीं करता है, तो कुछ नहीं। अब भी मार कम पड़ी क्या, और डबल से मारने लगू, अभी काटने लगा दोनों हाथ तेरे, कुछ नहीं कर सकता मैं, काटने लगा क्या जमीन पे रखो, कौन है तू, नाम तेरा, तेरा बाप, ऐसा हाँ। नाम तेरा बाप, जल्दी बोल नाम तेरा बाप, ऐसा हाँ। गैरों के करने वाले कहाँ के, मारो इसको और तेजी से मारो, और इसको क्यों मारता रे तू मुझे, मेरे क्या कसूर है, मुझे वो लोगों ने लाया, मुझे डाला मेरे अंग में, तू बात मुझे बर्बाद करने को लगाया, बेअदब, तो मेरे काम बादशाह के सामने बेअदब करता, बताओ बादशाह के सामने बेअदब करने की क्या सजा रही थी, तो उसने डाला मारे बाबा, मैंने क्या किया उसके साथ, तो क्यों मुझे परेशान किया, छोड़ दे मुझे, मैं नहीं आऊंगा अभी वापस, कैसी बात करते बादशाह के सामने, मालूम है नहीं मालूम है नालायक कमीने, नहीं रे बाबा अभी छोड़ दे तू, मुझे जाने दे रे बाबा, और तेरी ज़बान, नहीं नहीं मुझे जाने दे अभी, छोड़ दे रे बाबा, तोबा कर जल्दी, तोबा कर, नहीं करता, दोनों हाथ तोबा कर, जल्दी तोबा करने, तो तोबा करने लगा रे, मुझे बर्बाद करने के लिए भेजा है रे बाबा, अरे मैं बर्बाद नहीं करूंगा तो फिर कौन तू बर्बाद करेगा, बता तू बर्बाद करता है तो मैं चला जाता, कैसा बर्बाद करता, किसी को भी बाप का राज चल रहा है, किसके अरे तेरे बाप का राज चल रहा है, तेरे बार बार काहे को बसता हुआ बात तू तो, मुझे फिर मेरा तो राज चल रहा, मेरे राज में क्या मनमानियां चल रही है, चलाओ उसके हाथों की सारी तंत्र मंत्र की शक्ति खत्म करो तेजी के साथ में, मारो उसको तेजी से जकड़ के लो, मारो उसको बेअदब को, और तेजी से आग लगाओ उसके अंदर, देखा यहाँ अल्लाह के कलाम की ताकत है, ये कौन सी ताकत है, ये देखा ना अल्लाह के कलाम की ताकत सबसे बड़ी, नालायक तेरी कोई औकात नहीं, तेरी कोई मिसात नहीं, कमीने होशियारियां करके दिखा रहा, बहुत जलाओ उसको तेज़े, जलाओ उसको और तेज़े जकड़ के लो, तोबा कर जल्दी, दोनों हाथ उठा के तोबा कर, और जोर से तोबा कर, करीबा दोबारा उसको परेशान, जोर से तोबा कर, देखा ना कितनी ताकत है, तो जोर से तोबा कर, चलो इसको ले जाओ, इसको नालायक को और इसके साथियों को सब कुछ जकड़ो, समंदर के अंदर ले जाके कैद खानों में डालो उनको, जुलुम दे रहे हैं उन लोगों को और मनमानियां कर रहे, क्या दास्तान चल रही है, चल भाग ले जाओ उसको नालायक को कैद करा के, कमबख्त को, क्या नाम है इनका, कलीमा, ओए कलीमा भी पानी डालो, क्लास में पानी डालो, जल्दी भाई करीमा भी हेलो, कौन भी हो, गैरों के लोग से कराए लीजिए, जादू करना शमशान से भी कर, दोनों तरफ से कुछ तो भी करे, उन्होंने खेला हूं, बोल रहा था ना क्या, खबरस्तान शमशान से जादू करिए, खबरस्तान से उसको ले शैतान को, ऐसा कुछ तो भी खेला करे हो, और दूसरी बात क्या बोलते, तो पूरे सभी लोगों को कितने नाम लिया उन्होंने, क्या हुआ कुछ याद है क्या, क्या हुआ तो कुछ याद नहीं, कहाँ से आए थे,
वो कौन है? ये कौन है? वो बड़े। अभी कुछ याद है क्या? सवाल जवाब हुए तो यहाँ पे कुछ नहीं, मैं को कुछ मालूम कुछ भी याद नहीं। खैर उनको वो पिलाओ करो, सब जैसे मैं अमल बता उस तरीके से सब अमल करो, दुआ का पानी ज्यादा ज्यादा पिलाना। और ये जो है तो सुबह शाम दो टाइम जाना पड़ता, बहुत बुरा मारते, कैसे टुकड़े करे अभी देखा ना, पूरा भस्म कर दूंगा एक अंदर। जान जल्दी जल्दी निकल, जल्दी फौरी काट दो इसके हाथा, काट दो उसको, खत्म करके जाऊंगा मैं। किसको खत्म? इसको। क्या दुश्मनी उसकी तेरी? उसने पहले किया है। हाँ? उसने पहले किया है। क्या बोल के किया है? क्या है उसका? उसकी मुद्दत बने आ ली है? कब की बने आ ली? कितना टाइम है उसको बचा ला? अम्मास। हाँ? अम्मास। अम्मास में मारने? कैसा मारने वाले? अम्मास में। कैसा? ट्रेन के एक्सीडेंट में। अच्छा। हाँ? ऐसा बोले उसको, ट्रेन का एक्सीडेंट मार दो। बार बार आती हुआ। हाँ, तो उसकी मुद्दत कौन बने? मैंने। हिंदू से मुसलमान से? मुसलमान से। कहाँ रहता उन्हें? उधर में। जादूगर? हाँ। क्या नाम है जादूगर का? मुक्तदीर। अच्छा। हाँ। कितने पैसे लिया था? 5,000 रुपए। मरगा जिंदा है? जिंदा है, तो काम चालू है। अच्छा। हाँ। और उसका क्या लिखा था जादूगर के डब्बे? क्या नाम है तुम्हारा? दुपट्टा बनने। कौन से कलर का? काला। कब लिख गए थे? कितना टाइम हो रहा ली जाके? 5 साल हो गए। अच्छा। कौन लिया था दुपट्टा? उसने लिया था। कैसा चुराई थी? कौन चुराया था? औरत ने आदमी ने? चुराया ने, मान जी ले वो। अच्छा। हाँ, मुझे होना बल के। पांच साल पहले की बात है बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, इसको ना लाया खुश, इसके हाथा काटने की तैयारी करो तेज। मैंने तुम्हें मुंह बताया क्या? दूसरे से मुंह बताया? क्या नाम है वो? हाँ, गफ्फार। गफ्फार। कहाँ रहता हूँ? हैदराबाद में। काम क्या करता हूँ? फर्नीचर। रिश्तेदार में है क्या? बाहर का है? रिश्तेदार में है वो। अच्छा, इसका लड़का है। बातचीत चालू नहीं है अभी? अभी बातचीत चालू है उसकी। मिलना जुलना होता है रोज, एक घंटा बातचीत चालू रहती, मिलना जुलना सब कुछ चालू, रेडी काली को आके बात करती उसको हर रोज। सही बता। अरे सही बोला ना। बेदब, अभी काट दूंगा हाथ तेरे। अरे बोला ना, फिर काय को बात करती? अदम मियां, नहीं आता चल। क्या मारो रुक रहा है साले नाला भिखारी, लोगों के अंदर बैठ के जाना लेता लोगों के, बाप का तेरा रात चल रहा भिखारी साले। नहीं डाल गिलास। कट करके निकलाओ। अब इसके अंदर की सारी दवा जितनी है उल्टी और जुलाब लगा के बाहर निकाल के फेंको। जो दवा उसको लोक चिम्मक का सा लोहे को खींच रहा वैसा वैसा खींच खींच के इन्हें बुला रही हो दवा उसको, तो कंबखत को उसको मार के निकालो बाहर फेंको एक एक चीज तंत्र मंत्र की सब। अब कौन है वो जादूगर उसके बेहता पांव तोड़ते है इसी साथ में? मुक्तदीर है उसकी
स्कूल है बड़ी उदगीर में, बार बार वो स्कूल में जा जाके उसकी दादी के हाथ से कराती हूँ, उसकी अम्मी उन्हें मिल मिल के जाते, बार बार पूछते उनको काम कहाँ तक आया। वो बोलती है कि बस थोड़ा बाकी है, उसका यही काम है। वो भी ईमान वाली है, बेईमान थोड़ी है, वो ईमानदारी पे है। चलो उसे सारे खत्म करो, उसकी जितनी भी तंत्र मंत्र खिली है सबकी चलो लपटी खत्म करो। तेरी साथ में जादूगर का भी सारा जादू, उसकी सिद्धि, उसकी तंत्र मंत्र की क्रियाओं को सबको खत्म कराओ। साथ में करो तेजी से। वो लोगों का उज्जैन में बहुत बड़ा मदरसा बच्चों का, और उसको अल्लाह का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। वो जो करता है ना सिर्फ उसके फायदे के लिए करता है। लोग उसी के पास फूल पानी वूल ये सब लेके जाते और कहते हैं कि मेरा वैसा। और वो कहता है कि बस थोड़े दिन सबर, तुम्हारा काम बहुत जल्द हो जाएगा। उसने अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए ये सब काम चालू किए, और वो गाय गांव ऐसा फिरता है कुत्ते की तरह। कुत्ता है वो, कुत्ता ईमान वाला कुत्ता है। अंदर ये जो है तो ये लगे वाला जिन्ना शैतान भूत चुड़ैल नहीं था, ये जो है तो ये ला के कुछ छुड़ैल दवा का एक पार्ट अंदर फंसेला रहता। दवा मैं तो समझता था कि रात का इंसान ने खाया तो सुबह तक निकल के चले जाता, इंसान हो या जानवर हो कोई भी। फिर दवा 12 साल 15 साल 5 साल 2 साल 1 साल 6 महीने कैसा अंदर बैठी ये मैं नहीं मानता था, मगर खुदा की कुदरत धीरे धीरे अल्लाह राज खोलते खोलते सारे राज खोल देता, क्योंकि खुदा की भी कुदरत ऐसी है और अल्लाह का भी निज़ाम ऐसा है कि एकदम अल्लाह बताता नहीं, एकदम इल्म पूरा नहीं देता, देते देते राज खोलते खोलते खोलता स्टेप बाय स्टेप। फिर बाद में मेरे को ये भी पता चल गया कि दवा कैसी रहती, कहाँ रहती, कैसा बैठी रहती, क्या दास्तान है, फिर दवा में कितने पार्ट है, कौन सी कलेजे में रहती, कौन सी दिमाग में रहती, वो भी तो मैंने बहुत सारे दास्तान इसके अंदर वीडियो में आगे बता भी दिया। ये जो दवा जो रहती लोग चिम्मक का सा लोहे को खींचता वैसा उसको खींच खींच के बुलाती रहती, कैसा भी आ रहा जा रहा चल रहा था, लोग चिम्मक का सा लोहे को खींचता वैसा वापस फिर बुलाती फिर छोड़ती फिर वो चलते रहता। तो इस बात जब अमल ये जो जिक्र अस्कार है जो सब चलते थे इस दौरान में ऐसा होता कि उसको बहुत सारी दवा सब बाहर निकल गिर जाती है, जब वो निकल के गिर गया खत्म होगा तो फिर क्रॉस का फ्यूज उड़ जाता, खत्म हो जाता, फिर खत्म आने लगता हो जाता, भस्म कर देते। तो ऐसे रहते ये सारे दास्तानें बहुत सारे वो खैर। और उसके बाद तो पेशेंट को तो कुछ याद भी नहीं रहता, अभी उनको बाद बार जब उनको जा रहा था पूछ रहे थे कुछ याद है क्या क्या हुआ सवाल जो आपके पेशेंट को कुछ भी नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं, दास्तानें रहते। मगर ये जो भी हरकतें कर रहे एक दूसरे के ऊपर बहुत ही गलत है, कहाँ जाके भरूंगे मैं क्या बोलूँ, ना मैं इधर वालों को पहचानता ना मैं उधर वालों को पहचानता, मेरा तो काम है खाली जो भी है पढ़ना दुआ करना अल्लाह के हुक्म से, जो भी हाजिर हुआ सामने सवाल जवाब कराना, जो भी है जितना भी है लाइव में बताना। मगर ये दास्तान ऐसी है कि बिल्ली दूध पी रही आंखें मूंछ के और सोच रही कि मेरे को कोई देख रहा नहीं, तो गलत बात है ना। जादू आंटों ने कर रहे और ऐसा सोचेंगे कि हमारा नाम नहीं खुलेगा पता नहीं चलेगा आज नहीं तो कल नहीं तो आज कभी ना कभी मेरे पास जो भी आएंगे तो उनके पास तो नाम तो मैं खोल के बताऊंगा तो आएंगे तो वो सामने, क्योंकि मैं मेरा क्या है, मैं जब पढ़ूंगा पढ़ने वाली जबान भी हूँ ना अल्लाह वालों, जब पढ़ूंगा मैं
तो पढ़ने के बाद उसको आना ही पड़ता, समझ आने के बाद सवाल जवाब करने पड़ता, और कौन डाला होंगे तो नाम बोलेगा चुस्त भाई। इसलिए मत करो ऐसे हरकतें, बहुत गलत और बहुत गलत बातें हैं। और इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, इबादत तुम्हारी ढाल है। नमाज, हदीस, कुरान, ये सब चीज़ें तुम पढ़ेंगे तो तुम्हारे को ही सवाब मिलने वाला, तुम्हारे ही फायदे के वास्ते उतारे आली। अल्लाह को तुम्हारी इबादत की गरज नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते भी ऐसे ऐसे अल्लाह के पास इबादत में लगे आले, 70-70 साल से कोई रुकू में, कोई 70,000 साल से रुकू में, तो कोई सजदे में है, तो भी अल्लाह ने उनकी तरफ देखा नहीं। तो तुम्हारी 2 मिनट की इबादत थोड़ी देखने वाला अल्लाह, तो तुम जो इबादत कर रहे हो अल्लाह इतना रहमान और रहीम है कि तुम इबादत कर रहे हो, तुम्हारा उसका अजर भी देने वाला है आखिरत में, और दुनिया में तुम्हारा को ढाल बना के महफूज रखने वाला इबादत के जरिए से तुम्हारी। इसलिए तुम्हारे को इबादत करना, इबादत करेंगे तो ये सब चीज़ों से तुम महफूज रहेंगे। ये ढाल है तुम्हारी इबादत, तुम्हारी इबादत का, तुम्हारे सजदों का गरज थोड़ी अल्लाह को। अल्लाह ने पहले फरमा दिया कुरान के अंदर कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हकीकतन मायनों में कोई इबादत करता अल्लाह की तो अल्लाह का वली, और हकीकतन मायनों में कोई अल्लाह से डरता तो अल्लाह ने फरमा दिया वो अल्लाह का वली। तो अल्लाह को उसके वलियों की इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है वो भी। और दूसरी बात कि जवानी के सजदे तो बहुत पसंद है अल्लाह को, मगर तुम्हारे को सजदे करने की तौफीक ही कहाँ मिल रही। तुम तो ऐसे हो गए जमानों में टीवियाँ मोबाइलाँ इसमें पिक्चरों में नाच गानों में मगन है, पूरी क्या बोलते तो जवानी गमा दे रहे नाच गानों में फिल्मों में इसमें क्या 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 एक्सवाइजेड कहाँ कहाँ गमा दे रहे। जवानी क्या हिसाब देंगे खबर के अंदर, हर चीज़ का हिसाब होने वाला है। क्या बोलोगे जब, कैसा बोलोगे कि हम मोबाइल में लगे थे नमाज हो रही थी उधर, और बुढ़ापे में सजदे करेंगे क्या अल्लाह के सामने। अल्लाह को बुढ़ापे के सजदे उतने पसंद नहीं है जितने जवानी के सजदे पसंद है अल्लाह को। और सबसे अहम बात कि तुम ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं नमाज पढ़ के इबादत करके आया भी एहसान कर दिया खुदा के ऊपर, अरे सबसे बड़ी बात तुम्हारी ढाल है वो इबादत, इस वास्ते तुम्हारे इबादत करना है। और एक बात कि उसका अजर तुम्हारे को ये भी देंगे अल्लाह की, आखिरत भी बना देंगे तुम्हारी, दुनिया भी संवर देंगी आखिरत भी संवर देंगी इबादत की वजह से। इबादत की रस्सी को मजबूती से थामेंगे तो, और तुम ऐसे एक दूसरे के ऊपर जादू और टोने ऐसे हरकतें करेंगे तो जादू हम मानते नहीं, जादू को हम मानते नहीं। अरे अरे अरे, अरे किधर इस्लाम में जाहिल जो बोले आला है, जाहिल अनपढ़ को नहीं बोले आला है, अनएजुकेटेड नहीं जाहिल है, जाहिल आलिम को जाहिल बोले आला है, जो जानकर भी अनजान बन रहा उसको जाहिल बोले आला है। तो तुम जानकर भी अनजान बनेंगे तो फिर तुम जाहिल है, और जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। फिर जब तुम पे कुछ अगर हो जाएंगे इस दास्तान तो फिर तुम को निकालने वाला काम ही लेगा ओरिजिनल, तुम ओरिजिनल निकालने वाले को ढूंढने में इतने बर्बाद हो जाएंगे, जगह जगह चप्पे चप्पे पे एक पत्थर उठा दिए उसके नीचे का कीड़े मकोड़े निकलते, वैसे डुप्लीकेट इलाज वाले बैठे, फिर तुम जाएंगे उनके चक्रों में पूरी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी तुम्हारे। फिर तुम्हारे को ऐसा बताएंगे बहुत सारे बेवकूफ लोग काला जादू से कटता मियां, काले जादू से काला जादू, गलत बात है, गलत बात है, बेबुनियाद बात है, तुम्हारे दिमाग में गलत बात है ठूस के बिठा दिए। काले जादू से एक बार भी नहीं कट सकता, क्योंकि अल्लाह की रहमत जहां बरसती वहां से जादू टोना हटेगा ना, जादू जादू से कैसा कटेगा, क्योंकि शैतान के हाथ में फैज नहीं दिया अल्लाह, फैज अल्लाह के पास में, और अल्लाह खुद जमीन पे आके फैज नहीं देता, अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज पहुंचाता, क्योंकि जमीन पे आना तो उसकी शान के खिलाफ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद कर रहे थे जरा सा कि अल्लाह मैं देखना चाहता, तो सिर्फ पर्दे हटे थे, अभी तो अल्लाह की तजल्ली देखे भी नहीं, तो कोहे तूर जल के राख हो गया, खाक बन गया। तो बताओ कैसा उन्हें जमीन पे आएगा, उसकी शान के खिलाफ है। तुम मामूली सूरज को नहीं देख सकते तो सूरज को बनाने वाले को क्या देखेंगे तुम, तो उन्हें आ ही नहीं सकता ना जमीन पे, और उन्हें आकर फैज नहीं पहुंचाता, उन्हें चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज पहुंचाता कलाम इलाही के जरिए। और फैज देने वाली जात अल्लाह की है, और जख्म और जख्म और जहमत और तबाही बर्बादी कराने वाली जात शैतान की है, शैतान के पास में फैज नहीं है। तो काले जादू से एक बार भी नहीं कट सकता, सिर्फ कलाम इलाही से कटता, इबादत से कटता, इबादत की रस्सी। तुम बुजुर्गान दीन के पास जाओ, तुम अल्लाह वालों के पास जाओ, अल्लाह वालों के पास जाने से तुम्हारी पर रहमत बरसती, वहां रहमत बरस रही तुम पे भी रहमत के छींटे गिरते। तुम नहुसत भरे इंसान के नजदीक जाके बैठो, उस पर नहुसत गिर रही तुम्हारे पे भी छींटे गिरते वैसा। तो इस वास्ते तुम इबादत करो ज्यादा से ज्यादा, और इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो तो तुम महफूज रहेंगे, दुनिया आखिरत सब तुम्हारी बन जाएंगी, और नहीं तो पूरा बर्बाद और तबाह हो जाता इंसान, और मरने के बाद में खबर में क्या बोलेगा, हाय हाय क्या क्या जवाब देने वाले खबर के अंदर, क्या जवाब देगा, मैं ये क्या बोलते तो आ गया जल्दी मेरी रूह कब्जो गई, फलाना सो गया, मैं मौका मिल जाता तो मैं करता, तो मौका नहीं मिल जाता। सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं है, सामान ऐसा ठोक ठोक बजा के खरीद के ले रहे कब तक चलता, मगर ये नहीं मालूम कि सांस तेरी कब उखड़ेंगी बंदे, इतना भी नहीं मालूम तुझे, पलक मारने से पहले भी सांस उखड़ ले सकते फरिश्ते, आके मौत के फरिश्ते अगर हुक्म होगा अल्लाह का तो।
और मौत भी टाल देता अल्लाह अगर सदका करेंगे तुम तो, सदका करेंगे और गरीबों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो तुम्हारी मौत का दिन भी अगर मुकर्रर है तो वो दिन भी तुम्हारा टाल दिया जाएगा। कैसा टाल दिया जाएगा कि सुलेमान बिन दाऊद अलैह सलाम दावत में जा रहे थे, आपको दावत नामा आया शादी का, तो आप क्या करे, खुशी खुशी तैयार हुए। बादशाह सुलेमान बिन दाऊद, इतनी बड़ी बादशाहत दिया था अल्लाह ने, इंसानों पे भी, जानवरों पे भी, चरिंदों पे भी, परिंदों पे भी, जिन्नातों पे भी, शैतानों पे भी, सब पे अल्लाह ने बादशाहत दिया था। आप तैयार हुए, इतना बड़ा बादशाह सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर, तैयार होकर दावत के लिए रवाना हो रहे थे, तैयार होने की तैयारी चल रही थी कि झट मौत का फरिश्ता आया। तो आपका दोस्त था मौत का फरिश्ता, तो मौत के फरिश्ते ने बोला कहाँ जा रहे हो सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, तो बोले मैं फला फला के बेटे की शादी, उसकी शादी में जा रहा हूँ, दावत नामा आया उसकी शादी अटेंड करने, उसकी जो भी है वलीमा, वलीमे की दावत खाने जा रहा हूँ। तो मौत के फरिश्ते ने फरमाया कि आप मत जाइए हजरत, वहां पर खुशी का मौका है और मैं वहां पर जाकर अभी रूह खींचने वाला हूँ दूल्हे की, और दूल्हा एक्सपायर हो जाएगा जगह पे ऑन द स्पॉट, उसकी रूह कब्ज करने के लिए तो आया हूं मैं अभी, इतना इतना टाइम बचा रहा उसका रूह कब्ज करने में, और आप वहां जाएंगे और मौत का पूरा खुशी का मातम में बदल जाएगा मामला, तो आपकी भी तो थोड़ा शान के खिलाफ बात हो जाएगी, लोग बोलेंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम और देखो कैसा मातम होगा यहाँ, मातम का मामला, इसलिए आप मत जाओ, रुक जाओ। तो ठीक है, सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं गए, बोले क्या करते जाके, फायदा नहीं, बोले तुम शादी का वलीमे का खाना खाने को जाएंगे तुम और वो मौता का बन जाएगा, बोले क्योंकि थोड़ी देर में इसकी रूह कब्ज करने को आया मैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम रुक गए, रुकने के बाद नहीं गए दावत में, जब नहीं गए दावत में तो बाद में आप क्या करें, दूसरे दिन देखते तो क्या उसकी शादी हो गई, दूल्हा भी नहीं मरा, कुछ भी नहीं, तो उन्होंने बोला ऐसा कैसा, मेरे को तो मौत के फरिश्ते ने बोला था उसकी रूह कब्ज करने यार, फिर दूल्हे की रूह क्यों नहीं कब्ज करा, मेरे को दावत में जाने से रुका दिया, क्या बात है, पूछे उसको मौत के फरिश्ते को बुला के। तो मौत के फरिश्ते ने बोला हजरत मैं उसकी रूह कब्ज करने गया था यकीनन, मगर अल्लाह का फरमान आगा, रुक जा, खबरदार वापिस पलट जा, क्यों, उसकी रूह, उसकी उम्र दराज कर दिया अल्लाह ने। तो कैसा दराज कर दिया, तो उसके बाप ने जो शादी के दिन, अब मेरा मैं उसकी रूह कब्ज करने के लिए पहुंचा, तो उसके बाप ने क्या करा, सुलेमान अलैहि सलाम खाना खाने नहीं आए, तो बादशाह वाला जो खाना रखे वाला था, तो बादशाह वाला खाना, एक फकीर आके घर दरवाजे पर, एक बुढ़िया आई और वो डंडा लेकर ऐसा खड़ी थी, जो खड़े नहीं रह जा रहा था, तो बुढ़िया ने सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो, तो उन्होंने अल्लाह के नाम पे, उस शख्स ने क्या करा, बादशाह वाला खाना, हकीर ऐसा गरीब वाला या झूठा झाटा भी नहीं, जो बादशाह के वास्ते खाना रखे वाला था, सुलेमान बिन दाऊद अलैहि सलाम जो बादशाह आने वाले थे उनके, वो खाना उठाया और उस बुढ़िया को दे दिया, बुढ़िया को दे दिया, तो उन्होंने कही कि जाओ अल्लाह तुम्हारे उम्र में, रिक्स में, सेहत में, तंदुरुस्ती में बरकत दे, बोल के चले गई और दूल्हे को भी दुआ दी, तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर लिया, मजलूम की दुआ अल्लाह ने फौरी उसकी जो बुढ़िया को उन्होंने दिए जरूरतमंद को, तो अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई कि बादशाह वाला खाना उस गरीब को दे दिए, यानी कि उसमें भी वो नहीं करा उन्होंने कंपेयर, जैसा गरीब है झूठा दो झाटा दो नहीं, तो अल्लाह को इतनी अदा पसंद आई कि बादशाह वाला खाना फकीर को खिलाया, ठीक है उसकी उम्र दराज कर दो, बोल दिया अल्लाह ने, और मैं वापिस हो गया, बोले मैं क्या करूँ, अल्लाह का हुक्म था। ऐसी बात है, कभी कभी फरमान भी बदल दिए जाते मौत के, कभी कभी फरमान बदल दिए जाते जिंदगी के, बहुत सारे मामले, बहुत सारे बातें हैं, इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, हुस्न सुलूक और अखलाक अच्छे रखो, दुनिया में तुम जाएंगे तो कल को ऐसे अखलाक रहना कि लोग तुम्हारे पर अफसोस करके थोड़ा सा गमजदा हो जाना, कि बोलना वाकई में नेक इंसान था वो, मर जाएंगे तो ऐसा नहीं बोलना मर गया मरदूद फातियाना दरूद, वैसी बात नहीं होना, तो फिर तो अजाब ज्यादा होता खबर में, और अगर ऐसा बोलेंगे लोग भाई नेक वक्त था, 40 लोग अगर बोलेंगे तो तुम्हारी फिर पढ़ो रिवायतों में आता कि मग़फ़िरत कर दी जाएंगी, तो तुम्हारे पे के आज़ाब हटा दिए जाएंगे। सदका किया करो, गरीबों का भी ख्याल रखो, कौन जरूरतमंद, उमर फारूक से रिवायत है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है कि तुम जो दिल तुम्हारा खाने बोल रहा वो चीज़ तुम ऐसा खा रहे और कोई सदा लगा जाए तो वो चीज़ फौरी किसी दूसरे को खिला दो, जो मांगने वाला है उसको खिला दो, तो जन्नत में तुम्हारा को और आला से आला मकाम अल्लाह अता करेंगे। सबसे बहुत सारे बातें पढ़ो, पढ़ेंगे तो तुमको पता चलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो तुमको लोग गुमराह कर देंगे, और गुमराह हो जाएंगे तो फिर बहुत बुरी बात है, क्योंकि जिसकी खबर फिर उसका जवाब, इसलिए आखिरत का भी सौदा करो। अल्लाह कहें सुनने ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, ठीक है।